चीन पर चाबुक चलाने के लिए अमेरिका का ग्लोबल गेम। भारत को पहले दी धमकी, अब गिड़गिड़ा रहे हैं बाइडेन। भारत से साथ देने की लगा रहे हैं गुहार। दोस्तों, जो अमेरिका रूस को लेकर भारत को आंखें दिखाता था, उसे खरी खोटी सुनाता था, उसे रूस का साथ देने के नाम पर प्रतिबंध लगाने की धमकी देता था, आज वो अमेरिका भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है, उससे संबंधों को मजबूत करने की गुहार लगा रहा है, उससे विश्व की उभरती हुई शक्ति बता रहा है, दुनिया के देशों में उसका गुणगान कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो सुपर पावर अमेरिका भारत की इतनी खुशामद कर रहा है, आखिर अमेरिका को भारत की इतनी जरूरत क्यों आन पड़ी। तो चलिए आपको बताते हैं, इस जरूरत का नाम है चीन। वो चीन जो धोखे के लिए दुनिया भर में बदनाम है, जिसकी विस्तारवादी नीति से दुनिया परेशान है, वो चीन जिसने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है, जिस पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ग्लोबल प्लान बना रहा है, और इस प्लान का सेनापति वो भारत को बनाना चाहता है। दरअसल समुद्र में चीन के बढ़ते कदम को देखते हुए अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। यही नहीं, वो खुलकर अमेरिका को चुनौती दे रहा है, उसकी बादशाहत को ललकार रहा है, ताइवान को लेकर उसे धमका रहा है। चीन की एक गीदड़ भभकी अमेरिका को हजम नहीं हो रही है, लिहाजा वो उसके ऊपर शिकंजा कसना चाह रहा है। लेकिन वो जानता है कि चीन को घेरना उसके अकेले की बस की बात नहीं है, इसके लिए उसे भारत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन से मुकाबला करने का मादा रखता है। भारत ही है जो चीन को पटखनी दे सकता है। यही नहीं, भारत की सीमा भी चीन से लगती है, लिहाजा अगर भारत अमेरिका के साथ उसके प्लान में शामिल हो जाएगा तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और चीन के पैरों में बेड़ियां डालना आसान हो जाएगा। इसलिए बाइडेन भारत से विनती कर रहे हैं, उसे अपने भविष्य का सबसे बड़ा साझेदार बता रहे हैं। भारत भी जानता है कि बिना स्वार्थ के अमेरिका किसी को नहीं पूछता है, लेकिन चीन का मामला है, लिहाजा भारत भी इस कड़ी का हिस्सा बनना चाहता है, जिससे चीन को उसकी औकात बताई जा सके। दोस्तों, भारत के लिहाज से ये जरूरी भी है कि समुद्र और सीमा पर चीन के बढ़ते कदम को रोका जाए, इसके लिए भारत को भी सुपर पावर की मदद की दरकार है, इसलिए वो भी अमेरिका के ग्लोबल प्लान की कमान संभालने के लिए तैयार है। भारत के इस फैसले के बाद चीन की नींद उड़ गई है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे इस मजबूत संगठन का मुकाबला करे, क्योंकि भारत के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका के ग्लोबल प्लान का हिस्सा हैं। दोस्तों, चीन जानता है कि इस चक्रव्यूह को रचने के पीछे कहीं ना कहीं भारत का हाथ है, लिहाजा वो छटपटा रहा है और क्वाड के खिलाफ बयान देकर अपनी खीज निकाल रहा है। दोस्तों, आखिर क्या है अमेरिका का ये पूरा ग्लोबल प्लान जिससे चीन घबराया हुआ है, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका के इस ग्लोबल प्लान के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि चीन के दुश्मनों के साथ अमेरिका शनिवार से एक बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। अमेरिका के इस युद्धाभ्यास को भी उसकी रणनीति का ही एक हिस्सा बताया जा रहा है। एक होंगे चीन के सभी 25 दुश्मन, अमेरिका के साथ करेंगे युद्धाभ्यास, भारत भी दिखाएगा अपनी ताकत। दोस्तों, ताइवान से लेकर लद्दाख तक आंखें दिखा रहे ड्रैगन को अब उसके घर में ही घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। अमेरिका क्वाड सदस्य देशों के साथ प्रशांत महासागर में दक्षिण चीन सागर के पास दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास करने जा रहा है। रिमपैक कहे जाने वाले इस महाअभ्यास में दुनिया के 26 देश हिस्सा लेंगे। यह अभ्यास इस महीने के आखिर में होगा और भारतीय नौसेना भी इसमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। इस अभ्यास की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 38 युद्धपोत, 4 सबमरीन और 170 से ज्यादा विमान हिस्सा लेंगे। अमेरिकी नौसेना ने एक बयान जारी करके कहा कि रिम ऑफ पैसिफिक या रिमपैक नौसैनिक अभ्यास 29 जून से 4 अगस्त तक होने जा रहा है। इस अभ्यास में 9 देशों की जमीनी सेना समेत कुल 25,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। इस अभ्यास का आयोजन अमेरिकी नौसेना के प्रशांत महासागर बेड़े के कमांडर ने किया है। इसमें दुनिया भर के अमेरिकी सहयोगी और पार्टनर देश हिस्सा लेंगे।
अभ्यास में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा लेंगे, जो क्वाड के सदस्य देश हैं, और चीन इसे एशियाई नाटू बुलाता है। इसके साथ ही इस नौसैनिक अभ्यास में दक्षिण चीन सागर से सटे 5 देश सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई और फिलीपींस भी हिस्सा लेंगे। इसमें प्रशांत द्वीपीय देश टोंगा भी हिस्सा लेगा, जहां पर चीन सुरक्षा समझौता करके अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी नौसेना ने अपने बयान में कहा कि जो लोग रिमपैक में हिस्सा ले रहे हैं, वे व्यापक स्तर पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा आपदा राहत और समुद्री सुरक्षा अभियान से लेकर जटिल युद्ध कौशल को भी परखा जाएगा। अभ्यास के दौरान समुद्र के रास्ते जमीन पर हमला करने, तोपों से गोले बरसाने, मिसाइल फायरिंग, सबमरीन रोधी अभियान और हवाई रक्षा प्रणाली का भी अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और खुला बनाना है। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि चीन की नौसेना ने साल 2014 में रिमपैक अभ्यास में पहली बार हिस्सा लिया था, लेकिन साल 2018 में अमेरिका ने चीनी नौसेना को न्योता नहीं दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक यह अभ्यास ऐसे समय पर होने जा रहा है जब अमेरिका चीन के साथ मोर्चा लेने के लिए अपने गठबंधन को मजबूत बनाने में लगा हुआ है, जिसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने नया सैन्य समझौता ऑक्स किया है, ताकि चीन के प्रभाव को कम किया जा सके। उधर क्वाड ने भी ऐलान किया है कि वो चीन के जहाजों पर सैटेलाइट से नजर रखेगा। दोस्तों, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि चीन को चौतरफा घेरने के लिए अमेरिका ने बिस्तर बिछानी शुरू कर दी है, लेकिन चीन को घेरने के लिए वो जो सबसे बड़ी बिस्तर बिछा रहा है, जो गेम प्लान तैयार कर रहा है, उसका सेनापति भारत बनने जा रहा है। एशियाई नाटो चीन की बढ़ा रहा है टेंशन। ताइवान के खिलाफ चीन को सिखाएगा सबक। भारत के आगे झुके बाइडेन, साथ देने का लगा रहे गुहार। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर जो अमेरिका भारत को उपदेश दे रहा था, उसे मानवता का दुश्मन बता रहा था, वो अमेरिका अब पीएम मोदी की नीति के आगे घुटनों पर आ गया है। उसे भी एहसास हो गया है कि उसका कोई भी प्लान बिना भारत के सहयोग के पूरा नहीं हो सकता है। खासकर चीन को घेरने के लिए उसे भारत की बेड़ियों की जरूरत होगी। लिहाजा अब उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और भारत को कोसने की बजाय वो उसकी तारीफ कर रहा है, उसकी मजबूरी को समझने की बात कर रहा है। इसी का नतीजा है कि जापान की राजधानी टोक्यो में पिछले महीने हुई क्वाड बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहीं भी रूस और चीन का जिक्र नहीं किया गया। क्वाड के इस बयान को दुनिया में बहुत हैरत के साथ देखा गया। दरअसल सोची समझी रणनीति के तहत क्वाड के बयान में रूस और चीन का खुलकर जिक्र नहीं किया गया। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया दक्षिण चीन सागर में ताइवान पर चीन के किसी हमले को रोकने के लिए नेटो की तरह से एक संयुक्त मोर्चा बनाना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि भारत ताइवान के पक्ष में बन रहे मोर्चेबंदी में शामिल हो। यही वजह है कि क्वाड में भारत को बनाए रखने के लिए नई दिल्ली के दोस्त रूस का नाम बयान में नहीं डाला गया। वहीं आसियान देशों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए चीन के नाम का उल्लेख नहीं किया गया। जापानी मीडिया निकोई की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के नाम का परहेज तब किया गया जब उसने यूक्रेन में जंग छेड़ रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुलकर रूसी हमलों की आलोचना की थी, लेकिन संयुक्त बयान में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। विशेषज्ञों ने कहा कि रूस के साथ भारत की दोस्ती की आलोचना करना अभी अमेरिका की प्राथमिकता नहीं है। यही वजह है कि भारत क्वाड के प्रति प्रतिबद्ध बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल ताइवान पर मोर्चेबंदी में ही भारत फायदेमंद नहीं है, बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन की दिशा में यह मददगार साबित हो सकता है। भारत के बारे में लंबे समय से माना जाता रहा है कि वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ा निर्णायक देश है और चीन के खिलाफ सबसे बड़ा जवाब है। जापानी अधिकारियों ने चीन और रूस का नाम नहीं आने पर कहा कि उन्हें क्वाड से वो मिला है जो वो चाहते थे। वहीं रूस का जिक्र नहीं होने से अब भारत और पीएम मोदी के लिए यह आसान हो गया है कि वो संयुक्त मोर्चे में शामिल रहें। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की कोशिश होगी कि ताइवान पर हमले की सूरत में वो अकेले ड्रैगन से नहीं निपटे, बल्कि चीन के सारे दुश्मन उसके साथ हों, जिससे चीन को शिकस्त देना आसान हो जाए। दोस्तों, जापानी अधिकारियों ने भी इशारा किया है कि ताइवान पर चीन के खिलाफ अमेरिकी अभियान में वो एक अहम हिस्सा होंगे। बाइडेन ने ऐलान भी किया कि ताइवान पर हमला होने की सूरत में अमेरिका अपनी सेना भेजेगा। दोस्तों, दरअसल अमेरिका का एशिया में 5 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता है,
लेकिन अब बाइडेन प्रशासन की योजना इन सभी को एक साथ काम करने के लिए एकजुट करने की है। ये कुछ उसी तरह से होगा जैसे यूक्रेन युद्ध में नाटो ने किया है। हालांकि अमेरिका की ये योजना अभी तक दूर की कौड़ी ही नजर आ रही है। दोस्तों, भारत से अपेक्षा नहीं है कि वो ताइवान के खिलाफ किसी जंग में शामिल हो, लेकिन वो अपनी तरह से इसमें अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की बड़ी मदद कर सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर अमेरिका भारत और जापान को इतना सशक्त बना देता है कि चीन की टेंशन बढ़ जाए, तो वो ताइवान के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि जापान खुलकर ताइवान का समर्थन कर रहा है और अमेरिका तो ताइवान के साथ खड़ा है ही। ऐसे में अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसे कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा, जो उसके लिए आसान नहीं होगा। खासकर भारत और अमेरिका की मजबूत जुगलबंदी झेलना चीन के बूते की बात नहीं है, लिहाजा ताइवान से ध्यान हटाना उसकी मजबूरी बन गई है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका लगातार भारत पर रूस का साथ छोड़ने का दबाव बना रहा है। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया था कि वो अपनी तटस्थ नीति में कोई बदलाव नहीं करेगा, जिसके बाद बाइडेन ने भारत की नीति की आलोचना की थी। यही नहीं, अमेरिका के कई मंत्री और अधिकारी भी भारत का दौरा कर उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश लगातार कर रहे थे, लेकिन भारत अपनी नीति को लेकर टस से मस नहीं हुआ। उल्टा उसने अमेरिका को ही आईना दिखा दिया, जिसके बाद बाइडेन को भी समझ में आ गया कि भारत को साधना है तो उसके सुर में लाना होगा। अगर भारत उसके साथ नहीं होगा तो चीन को पिंजरे में जकड़ने की उसकी मंशा पर पानी फिर जाएगा। लिहाजा भारत को साथ रखने के लिए उसने उसके आगे झुकना ही बेहतर समझा। दोस्तों, अमेरिका को अपनी शर्तों के आगे झुकना इतना आसान नहीं था, लेकिन पीएम मोदी की सूझबूझ और दूरदर्शी नीति ने यह काम भी आसान कर दिया। इसी का नतीजा है कि आज अमेरिका का सुर बदला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।